हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज बनाते हैं सूजी या दवा से बनने वाली झटपट कचौड़ियाँ। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन में मैं 2 से 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने दरदरा कूट लिया है, और 1 चम्मच ही सौंफ, इसको भी मैंने दरदरा कूट लिया है। फ्रेश मसालों की खुशबू कचौड़ी में बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा कूट के फ्रेश यूज किया है। इसको मैंने हल्का सा चला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई, इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले जले नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और मिक्स कर दे रही हूँ। कचौड़ियों को चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर, या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू। ये 3 आलू हैं जिनको मैंने रफली हाथों से ही मैश कर दिया था, चाकू से काटा नहीं है। आलूओं को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। इन्हें खूब अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि कोई भी मोटा चंक आलू का रहे नहीं। दिस इज ऑल्सो डन। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालिए और मिक्स कर दीजिए। ये फिलिंग हो गई है रेडी। इसको हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं एक प्लेट में निकाल के, ताकि ये ठंडी भी हो जाए। इन द मीन वाइल सेम पैन में मैं अब बना रही हूँ आउटर फिलिंग सूजी से। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ पैन में। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा घी या आप तेल भी डाल सकते हैं, करीबन 1 चम्मच। पानी की 1/2 क्वांटिटी में डालूंगी सूजी, यानी कि 3/4 कप सूजी, 1.5 कप पानी और 3/4 कप सूजी। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और तब तक चलाते रहिए जब तक कि सूजी पक के एकदम पैन के साइड छोड़ ना दे, ये एकदम आटे की तरह बन जाएगी। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगी। इसको लगातार चलाते रहिए, इसको बीच में छोड़िएगा मत। इसको ज्यादा टाइम लगता नहीं है पकने में। ये देखिए ये सारा एक साथ हो गया है। And now this is done. इसको भी हम अलग निकाल के एक प्लेट में डाल लेते हैं ताकि ये भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। बहुत ज्यादा सूजी को हमें ठंडा नहीं करना है, उतना ही कि हम इसे आराम से हाथों से छू पाए। अब मैं हाथों में हल्का सा तेल लेके इसे हल्का सा आटे की तरह गूंद लूंगी, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम चपाती का आटा रेडी करते हैं वैसे ही। अब देखिए ये सारा आटा एक साथ हो गया है, अच्छे से इसका एकदम आटे जैसा लग रहा है कि ये बन चुका है। अब ये रेडी है यूज करने के लिए और कचौड़ी बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास है ये सूजी का आटा और फिलिंग। यहाँ पे मैं हाथों को यूं तेल से या घी से ग्रीस कर लूंगी। जितनी भी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से इस सूजी की एक लोई बना लीजिए। उसको अच्छे से अपने हाथों के बीच में यू राउंड राउंड करते हुए एक कटोरी सी बना लीजिए उसकी। हमें उसके अंदर एक कैविटी बनानी है जिसके अंदर हमें फिलिंग फिल करनी है। ये बन गया है एक कटोरी टाइप्स। अब इसके अंदर अब हम ये फिलिंग रख देंगे। अब इसको हर तरफ से अच्छे से सील कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि कहीं से भी फिलिंग बाहर ना नजर आए, सूजी से हर तरफ से ये अच्छे से सील हो जाए। अगर ये अच्छे से सील नहीं होगी तो तलते वक्त ये फिलिंग बाहर आएगी और सारा तेल खराब हो जाएगा। ये देखिए
बहुत अच्छे तरीके से इसको सील कर दीजिए। अगर कहीं से लगे कि आपको फीलिंग नजर आ रही है तो वापस उसे पिंच करके सूजी को इसे फ्लैटन आउट कर दीजिए। कचौड़ियां हैं ये तो मोटी ही बनेगी थोड़ी सी। ये देखिए मुझे फीलिंग नजर आ रही थी तो इसे सूजी लेके मैंने सील कर दिया है। इसके साइड्स भी अच्छे से स्मूदन आउट कर दीजिए एंड ये पहली कचौड़ी हमारी रेडी हो गई है। इसे मैं प्लेट में यहाँ पे रख लेती हूँ और आपको एक और बना के दिखाती हूँ। सूजी की हमने एक लोई बना लेनी है, उसको फ्लैटन आउट करके एक कटोरी टाइप्स बना लेंगे, उसके अंदर फिलिंग डालेंगे और हर तरफ से अच्छे से इसको सील कर देंगे। ध्यान दीजिए कि सूजी हमें बहुत ज्यादा ठंडी नहीं करनी है, ये वॉर्म ही है तभी आप इसको बना पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो आप इसकी कचौड़ियां नहीं बना पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि जब ये वॉर्म हो, हल्की सी गर्म हो कि आप आसानी से इसे टच कर पाए, उसी समय इसकी कचौड़ियां बना लीजिए। अब ये दूसरी कचौड़ी भी हमारी रेडी हो गई है। ऐसे ही मैं सारी कचौड़ियां बना लूंगी और साथ ही साथ मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, इन कचौड़ियों को तलने के लिए। तो अब ये कचौड़ियां सारी रेडी हो गई हैं, तेल भी यहाँ पे गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम इसे इस तेल में डिप करते जाएंगे तलने के लिए। इन्हें मीडियम आंच पे ही तलिएगा ताकि ये अच्छे से बाहर से क्रिस्प हो जाए। कचौड़ियां बहुत ज्यादा टाइम लेती है तलने में, इसलिए आराम से आपको 5-6 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पे इसे सेकने के लिए, तब तक जब तक ये दोनों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो हैव पेशेंस और इसे बीच बीच में अच्छे से पलटते रहिए ताकि ये हर तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। वंस दीज आर डन, इनको मैं निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए और इनको आप सर्व कीजिए केचप के साथ या अपने मनपसंद की चटनी के साथ। ये आप सुबह के नाश्ते में खाइए या शाम को चाय के साथ, ये बहुत टेस्टी और यमी बनती हैं और बहुत झटपट बन जाती हैं। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, डू ट्राई दिस आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये कैसी बनी। थैंक यू फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।